Highly profitable business ideas in Hindi. No risks of the loss, the 100 of products in the one business. Highly profitable. दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि सीमेंट का जो बिजनेस है, सीमेंट की चीज़ें बनाने का, वो कितना प्रॉफिटेबल है। जैसे कि हम अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका एक ही प्रोडक्शन रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन प्रोडक्शन रहते हैं। तो उस प्रोडक्शन की डिमांड अगर मार्केट में ख़त्म हो गई, या तो उसके लिए कच्चा मटेरियल नहीं मिल पाया, या तो कोई भी और कारण की वजह से वह बिजनेस में कुछ बाधा आती है, तो उस बिजनेस में लॉस होने का ढेर सारी संभावना होती है और बहुत सारे बिजनेस उसमें लॉस में जाते हैं। लेकिन आज जब हम ये बिजनेस आपको बता रहे हैं तो ये ऐसा बिजनेस है उसमें लॉस नाम का विषय नहीं है। एक प्रोडक्ट में अगर आप लॉस ज़्यादा है मार्केट में, आपको नहीं जम रहा है, तो आप तुरंतली दूसरा प्रोडक्ट चालू कर सकते, तीसरा प्रोडक्ट चालू कर सकते, जो भी मार्केट में डिमांड है वो प्रोडक्ट्स आप उसमें बना सकते हैं। और इसके लिए लगने वाला कच्चा मटेरियल भी सेम है और इसके लिए मशीनरीज भी सेम है। तो ये सबसे बढ़िया बिजनेस है। और आज की वर्तमान स्थिति इंडिया की यह है, इंडिया यह फास्टेड ग्रोइंग कंपनी है, मतलब ये विकसित देश है। आज इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े प्रमाण में हो रहा है, और उतने प्रमाण में जो आम ईंट भट्टी की ईटा रहती थी, जैसे कि मट्टी की, वो ईटा अभी नहीं मिल पा रही मट्टी नहीं होने की वजह से। और दूसरी बात, वो पर्यावरण के लिए हितकारक नहीं है, इसलिए उसने गवर्नमेंट ने भी बंदी लगा दी है। तो उस जगह पे सीमेंट के ब्लॉक की काफ़ी सारी डिमांड है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। और इसी प्रकार जो सीमेंट के अदर प्रोडक्ट्स है, जैसे कि स्पेयर ब्लॉक्स है, उसके बाद में नीचे डालने की स्टाइल्स है, पोल्स है, तो इसकी भी ढेर सारी हाई डिमांड है। अब ये जो बिजनेस है वेटेड है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि एक अंडा बड़े सिटी में से माल उठा के ला के आपके सिटी में देगा, क्योंकि उसके लिए उतना जो ट्रांसपोर्ट लगता है उतना अगर आप वो प्राइस में कम कर देते हैं तो उससे कम प्राइस में आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच जाएगा और कोई भी डीलर आप ही के पास से माल परचेस करेगा। तो इस बिजनेस के लिए हम आगे देखते हैं। इस बिजनेस के लिए जो मटेरियल लगेगा वो है बाविक रेत, सीमेंट और गिट्टी की डस्ट, गिट्टी मतलब टोन डस्ट स्मॉल साइज। तो उसके प्रकार उसके लिए अब जो मशीन लगती है वो है सीमेंट ब्लॉक मेकिंग मशीन, कॉन्क्रीट मिक्सर, कलर पे मशीन, हार्वेस्ट मशीन, और आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसका डाई। तो डाई आप कोई भी जो फैब्रिकेशन वर्क वाले रहते हैं उसके पास से बना के ले सकते हैं। और उसका जो मार्केट है ये डायरेक्टली आप लोकल डीलर्स को दे सकते हैं, जो लोग विसल में बिक्री करते हैं उनको दे सकते हैं, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है उनको दे सकते हैं, निजी बांधकाम के जो ठेकेदार रहते हैं उनको दे सकते हैं, या तो जो कॉन्ट्रक्शन कंपनीज रहती है बड़े बड़े ठेके लेने वाले, उस कंपनी के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट करके उनको भी आपका माल दे सकते हैं। तो इस बिजनेस में आप लगभग सालाना 10 से 20 लाख तक कमा सकते हैं, और इसके लिए जो लागत आएंगे आपको आती है लगभग 25 लाख रुपए वन टाइम। तो इसके लिए जो ज़मीन लगती है कम से कम 12,000 चौबीस फुट का ज़मीन एरिया चाहिए, उसमें का आपका बांधकाम 7,000 चौबीस फुट होना चाहिए। बांधकाम 3 सेट का भी चल सकता है, खाली उसी के अंदर पानी नहीं आने को ना और धूप नहीं आने को ना, दो चीज़ें से बचना चाहिए। उसके लिए जो मजदूर लगते हैं तो उसमें कुशल एक मजदूर लगेगा जो मेन मशीन ऑपरेट करेगा, 2 अर्ध कुशल मजदूर लगेंगे जो कच्चा माल को ऑपरेट करेंगे, और 4 अकुशल मजदूर लगेंगे, मतलब वो जो कच्चा माल है वो बनाएंगे, या कि पक्का माल उठा के बाजू में रखेंगे, कच्चा माल के माल बनाना वगैरह सब कुछ उसमें आ गया। और मशीनरी की कीमत है लगभग 15 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि 15 लाख का जो मशीन है, आपका स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस चालू करते हैं तो छोटा यूनिट ही ले लीजिए। छोटा यूनिट से आपको अच्छा सा मार्केट का डिमांड टेस्ट हो जाएगा, जब डिमांड बढ़ेंगी आपके पास तो आप वो यूनिट बड़ा भी ले सकते हैं। तो छोटा यूनिट लगभग 15 लाख के अंदर बैठ जाता है उसका। अब इसका जो प्रशिक्षण है तो आप जहाँ से मशीन लेंगे वही आपको बताएंगे उसमें किस प्रकार से काम करना है। इस बिजनेस के लिए आपके पॉट पे ईंधन, पानी, बिजली जरूरी है, मतलब पानी और बिजली होना सख्त जरूरी है, ईंधन की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वहाँ तो अच्छी बात है।
और इसके लिए 70% फाइनेंस आपको बैंक करता है। उसके लिए आप आपका जो जिला उद्योग विकास विभाग है उसमें संपर्क कीजिए, या तो मुद्रा लोन के लिए आप बैंक में जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इस बिजनेस के लिए कौन कौन सी मशीन लगती है उसकी डिटेल हमने हमारे वेबसाइट पे दी है, उसका नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप डिटेल में उसे पढ़ सकते हैं। तो अब मैं मशीन के बारे में समझाता हूँ आपको। यह है सीमेंट ब्लॉक मेकिंग मशीन, उसका जो लोड है वो आपको कितने ब्लॉक वन टाइम बनाना है उसके ऊपर इसका प्राइस डिपेंड करता है। यहाँ पे जो दिखाई है वो 2 ब्लॉक बनाने की है वन टाइम, तो इसमें 2 ब्लॉक बनेंगे। अगर आपको ज़्यादा ब्लॉक बनाने के हो ना तो उसका प्राइस बढ़ेगा, तो वो भी मशीन अवेलेबल रहती है, तो इसे बोलते हैं सीमेंट ब्लॉक मेकिंग मशीन। यह है हार्वेस्टिंग मशीन, मतलब जैसे कि आप कोई टाइल्स बना रहे हैं, या तो कोई इंटरलॉकिंग सिस्टम का कोई अगर आप सीमेंट का उपकरण बना रहे, जैसे टाइल्स है, फ्लेवर बॉक्स है, तो उसके लिए हार्वेस्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि वो जो माल है पक्की गति से ठासे के अंदर ठीक से फिट हो सके, फिनिशिंग हो सके उसकी, जैसे सीमेंट का पोल होगा वगैरह, तो उसके लिए उसे हार्वेस्टिंग टेबल भी बोल सकते हैं, हार्वेस्टिंग मशीन भी बोल सकते हैं। ये कॉन्क्रीट मिक्सर, ये तो आम है, आपने हर जगह पे देखा होगा, जो कॉन्क्रीट कलाने का जो मिक्सर आता है उसे कॉन्क्रीट मिक्सर बोलते हैं। ये कलर मशीन, ये भी आम है, कोई भी पेंटर लोग इसे यूज करते हैं, क्योंकि जो आप सीमेंट जो आर्टिफिशियली तैयार करते हैं उसके डिवाइसेस, तो उसको अलग अलग कलरिंग करने के लिए अगर आप ब्रश से कलरिंग करके बैठेंगे तो उसमें ढेर सारे घंटे लगेंगे, लेबर चार्ज भी सस्ता नहीं है, इसलिए मशीन से किया तो बहुत ही अच्छा है, फिनिशिंग भी आती है और प्लस आपका पैसा भी बच जाता है। तो अब ये जो बिजनेस है इसमें यहाँ पे आपको जो मैंने नकाशा दिखाया है, इमेज दिखाई है, इस इमेज में जितने प्रोडक्ट दिए हैं वो सभी आप बना सकते हैं, जैसे कि कुंडी होगा पानी स्प्रे करने का, या तो झाड़ लगाने का ड्राम, बाकड़ा सीमेंट का जिसे बेंच बोलेंगे, सीमेंट के पाइप, सीमेंट के अलग अलग पोल, धुनीच, इंटरलॉक पोल, जो अभी के जो कंपाउंड निकल रहे हैं सीमेंट के उसे इंटरलॉक पोल भी बोलते हैं, और उसी प्रकार ये इतने साइज से ब्लॉक आप बना सकते हैं अलग अलग साइज के। और ये प्लेयर ब्लॉक्स मतलब टाइल जो रहते हैं ना आंगन में डाली हुई, उसे टाइल भी बना सकते हैं, प्लेयर ब्लॉक्स भी बना सकते हैं। अब जो रास्ते पे डाला रहता है, ग्राउंड के साइड वाल में डाला रहता है, हाईवे के बाजू में डाला रहता है, तो उस टाइप से ये जो बिजनेस है काफ़ी बढ़िया बिजनेस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस में लॉस हो जाएगा, पैसे डूब जाएंगे, क्या करें क्या ना करें, तो ये सबसे बढ़िया बिजनेस है, आप करके देखे, उसमें लॉस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो चलो दोस्तों, अब इस बिजनेस के बारे में जो आगे की डिटेल है आप हमारे वेबसाइट पर देखेंगे, ये मशीन की प्राइस कितनी है, उसके बाद में मशीन कहाँ से परचेस करना, उसकी वारंटी कितनी है, वो सब कुछ डिटेल हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हमेशा बिजनेस के बारे में वीडियो बनाते हैं, आपको इसका नोटिफिकेशन आएगा जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे। अब वीडियो लाइक करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।